दोस्तों, इसराइल देने वाला है भारत को इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। इसराइल ने बनाया एडवांस तकनीक वाला घातक हथियार। अमेरिका से लेकर यूरोप और रूस से लेकर चीन तक किसी के पास नहीं है इसराइल के इस घातक हथियार का तोड़। मिडिल ईस्ट में बसा यह छोटा देश इसराइल भारत का सच्चा दोस्त है, जो भारत की मदद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। साल 1971 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर चुका था और उस वक्त भारत का साथ सिर्फ इसराइल और रूस ने ही दिया था, जबकि उस वक्त इसराइल के पास कम गोला बारूद होने के बावजूद भी उसने भारत की मदद की थी। तो वहीं 1999 के करगिल युद्ध में भी इसराइल ने हर संभव भारत की मदद की थी, जबकि उस पर उस वक्त दुनिया का काफी ज्यादा प्रेशर था। लेकिन अब मोदी सरकार के समय में दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत और इसराइल की दोस्ती की मिसाइल आज पूरी दुनिया देती है और अब इसराइल की तरफ से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान की मानो रातों की नींद ही उड़ जाएगी, क्योंकि इसराइल जिसकी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसने एक ऐसे हथियार को बना लिया है जो दुनिया भर के हथियारों का बादशाह बन सकता है, जो अकेला ही पूरे युद्ध का माहौल बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हथियार है क्या? कि हमारी सेना के पास ऐसा कोई हथियार मौजूद है? चीन और पाकिस्तान क्यों इस हथियार के भारत आने से पहले ही इतना घबरा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल वो देश है जिसकी रक्षा तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अब इस देश ने एक ऐसा टैंक बनाकर तैयार कर लिया है जो अमेरिका और यूरोप पर भी भारी पड़ सकता है। ये मान लीजिए कि इस जैसा टैंक अभी तक किसी भी देश ने बनाया नहीं है। दरअसल दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के टैंक 1970 के जमाने के डिजाइन पर बने हैं। ऐसे ये माना जा रहा है कि इसराइल का यह नया टैंक पुराने हो चुके हथियारों पर भारी पड़ने वाला है, और सबसे खास बात यह है कि यह टैंक इतनी खास तकनीक के साथ डेवलप किया गया है कि चीन जैसे देश की भी सांसें चढ़ने लग गई हैं कि कहीं यह टैंक भारत को न मिल जाए। इस नए टैंक के साथ ही इसराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहीं ज्यादा आगे है। इस नए इजरायली टैंक का नाम है मरकावा, जिसे आधुनिक टैंकों की दुनिया का बादशाह माना जा रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुराने इजरायली टैंकों की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं, जिसकी वजह से यह टैंक दुश्मन पर भारी पड़ सकता है। 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। इन खूबियों की वजह से ही इजरायली टैंक अपने दुश्मनों के टैंकों से काफी आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि रूस का नया टैंक T-40 अर्माटा टैंक भी इसके आगे कुछ नहीं है। मरकावा का मॉडल नाम ब्राक है। हिब्रू भाषा में ब्राक का मतलब होता है बिजली। मरकावा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि अपने अंदर बैठे क्रू की रक्षा तो कर ही सके, साथ ही अपने दुश्मनों पर हमला भी करे। मरकावा का 5वां वेरियंट सबसे ज्यादा आधुनिक है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी के सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से इस टैंक को दुनिया का नंबर 1 टैंक बना देते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग युद्ध क्षेत्र में बाकी टैंकों और दूसरे हथियारों के साथ भी आपस में जुड़े रहते हैं। इस वजह से मरकावा टैंक को नेट स्ट्रिंग क्षमताओं वाला पहला टैंक माना जा रहा है। इस टैंक को देखकर अमेरिका भी परेशान हो गया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने अमेरिका अपने टैंकों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में जब इसराइल का यह टैंक सामने आएगा तो अमेरिका के सभी टैंक धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि इस टैंक को अमेरिका और यूरोप के टैंकों से भी बेहतर बताया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और यूरोप के टैंक पर अगर दुश्मन निशाना लगाता है तो उन टैंकों की बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, जबकि इसराइल के मरकावा टैंक में ऐसा नहीं है। मरकावा 5 मरकावा 4 की तरह ही है। इसमें 4 लोगों का क्रू आसानी से बैठ सकता है, जिसमें ड्राइवर, कमांडर, गनर और लोडर शामिल है। जानकारी के मुताबिक मरकावा टैंक पर एक 120mm की बोर गन लगी हुई है, जिसे इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्री ने तैयार किया है। इस बंदूक की मदद से ऊंचाई से आने वाले हथियारों को भी आसानी से मार गिराया जा सकता है। इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो हथियार है वह 7.62mm की मशीन गन। नया मरकावा 5 डे नाइट कैमरे से लैस है, जिसकी वजह से टैंक को हर सेकंड चारों ओर का यानी 360 डिग्री का नजारा पेश करता है। टैंक कमांडर के पास एक डिजिटल हेलमेट होता है जो वार जोन का 3D व्यू देता है, और साथ ही सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता रहता है ताकि युद्ध को सफलता पूर्वक पूरा किया जा सके। साथ ही यह हेलमेट ये भी बताता है कि कौन से हथियार को कब इस्तेमाल करना है। यह टैंक को हुए नुकसान की भी जानकारी मुहैया कराता है।
इस टैंक के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि इजराइल जल्द ही इस टैंक की तकनीक को भारत को सौंप सकता है और भारत को भी इस तरह के खास टैंकों की काफी जरूरत है चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल यह टैंक देगा? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।